बहुत बढ़िया सर। अरे भैया किसका है भोजपुरी फिल्म के सर 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 एक सेकंड रिकॉर्ड करना रिकॉर्ड करना सर थोड़ा पीछे सर 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 पीछे सर सर पीछे ही ना सर पीछे सर सर थोड़ा पीछे पीछे सर मंच पे हो जाइए अरे सर मंच पे हो जाइए मंच पे पीछे आ गया आ गया आ गया बाहर में दिक्कत है भैया हमारे बीच में उपस्थित है दुनिया के विख्यात अभिनेता हमारे पुराने मित्र गोरखपुर के माननीय सांसद आदरणीय रवि किशन जी, दूसरे हमारे अभिनेता साथी आदरणीय दिनेश लाल यादव जी, आदरणीय प्रदीप पांडे जी, आदरणीय खेसारी लाल साहब, आदरणीय अरविंद अकेला जी, और विशेष रूप से कोई एक फिल्म का यह मुहूर्त नहीं हो रहा, सामान्यतः हम सामाजिक कार्यक्रमों में अक्सर जाते रहते हैं, फिल्म के मुहूर्त को भी देखा है, लेकिन एक फिल्म का मुहूर्त होता है। लखनऊ वासियों पर आज हमारे फिल्मी कलाकारों ने, निर्माताओं ने बड़ी कृपा की है कि एक साथ 5 फिल्मों का मुहूर्त इस धरती पर हो रहा है। हमारी ऐसी फिल्में हैं हिंदुत्व, जिसका पोस्टर आप सामने देख रहे हैं, आदरणीय रवि किशन जी उस चित्र में पूरी तरह से दिख रहे हैं हिंदुत्व पिक्चर के, दूसरा हमारा फसल है, तीसरा सन्यासी है, चौथा वास्तव है, और 5वां जाने मन है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सभी फिल्मों की सफलता के लिए, और इस सफलता के लिए जो हमारे मित्र हैं, जिन मित्रों ने उत्तर प्रदेश की सरजमी पर इतना बड़ा बीड़ा उठाया है, ऐसे हमारे प्रवीण कुमार जी, प्रेम राय जी, महेश गुप्ता जी, मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो पहल की, उसमें आप सबने कंधे से कंधा मिलाकर एक और बड़ा योगदान, एक बड़ा मील का पत्थर लगाने का काम किया है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ विवेक जी का, अपने सभी मित्रों का, आए हुए का, जिन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर हमारे सभी साथियों से मिलने मिलाने का अवसर प्रदान किया। मैं इस मुहूर्त के अवसर पर अपने आराध्य पूज्य गणपत बाबा का नमन करना चाहूंगा, उनके नाम से सब कुछ सफल हो जाएगा। और हमारे रवि किशन जी तो हर हर महादेव के जहां जाते हैं उसका नारा लगाते हैं, और जहां सब कुछ ईश्वर होंगे जरूर सफलता मिलेगी। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। राज जी ने कहा कि भोजपुरी सिनेमा का वो समय आ गया है कि वो अच्छा सिनेमा बनाए, अच्छे स्तर का सिनेमा बनाए। जब उन्होंने इस फिल्म के हमारे हिंदुत्व के पोस्टर को देखा, बड़े प्रभावित हुए। मैं अपने मेरे मोबाइल में था, मैंने उनको तुरंत बताया, और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप लोग अच्छा सिनेमा बनाए, कहानी अच्छी चुने, कहानी अच्छी जिससे समाज को भी फायदा हो, सोसाइटी को फायदा हो, बच्चे देखें उससे कुछ सीख लें, जैसे पुरानी फिल्में होती थी। तो मैंने कहा कि सौरभ मोदी जी जैसे पहले बनाते थे, हम लोग उसी तर्ज पर बना रहे हैं। हमारे प्रवीण जी, प्रेम राय जी, हमारे सारे बेस्ट डायरेक्टर्स लेके आए, और महाराज जी कहीं निराश नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मैंने सब्सिडी दी है, सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे प्रमोशन के लिए दिया है, पूरे मुंबई से ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री यहाँ पर आ चुकी है। एक बात उनको बड़ी खुश, आज मैंने उनको एक जानकारी दी, शायद उनको थी भी, मैंने कहा कि महाराज जी आपको पता है इस वक्त कितनी शूटिंग हो रही है यहाँ पर, तो उन्होंने मुझसे पूछा कितनी हो रही है, मतलब 45 फिल्मों की शूटिंग तो लखनऊ और लखनऊ के आसपास हो रही है, बनारस में, जौनपुर में, गोरखपुर में, महाराजगंज में, हर चौमुख इस वक्त हिंदी, भोजपुरी, तेलुगु, हर भाषा के लोग आके उत्तर प्रदेश को चुन रहे हैं एक बहुत बड़े लेवल पर।
यहाँ पे रोजगार मिल रहा है, यहाँ स्थानीय कलाकारों को काम मिल रहा है, यहाँ पे राज्य में इतना पैसा आ रहा है, जितनी शूटिंग होती है वो सारा पैसा राज्य में उस जिले में जाता है, हर माध्यम से, होटल से लेके गाड़ी घोड़ा डीजल पानी राशन हर तरीके से स्थानीय कलाकारों को अब मुंबई नहीं जाना पड़ रहा है। तो महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा कि अच्छा सिनेमा बनाइए। और मैंने बोला डेफिनेटली ये दोनों भाई जो आए हैं, प्रवीण जी, प्रेम राय जी पुराने मेकर हैं, प्रवीण जी एलिमेंट्री इन्हीं का होटल है, तो ये डेफिनेटली बनाएंगे। और मेरे भाई ब्रिजेश जी आज हमारे इतने बढ़िया मंत्री आए हैं, और इनका आशीर्वाद मिला, इन्होंने जैसा शब्दों से आशीर्वाद दिया, आठवले साहब आके गए, तो बड़ा अच्छा है कि महाराज जी का भी आशीर्वाद मिला, उनको पूरी फिल्मों का ब्यौरा बताया कि आज 5 फिल्मों का मुहूर्त, सारे सुपरस्टार मित्र हीरो आए हैं, पूरे डायरेक्टर आए हैं, बड़े बड़े टेक्नीशियंस आए हैं, सबको मेरी ओर से बहुत साधुवाद कि उत्तर प्रदेश की धरती पर आप लोग मुंबई छोड़कर आए हैं, आप लोगों का स्वागत है, आप लोगों को कोई चिंता नहीं होगी, वन विंडो आप लोगों को जैसे महाराज जी ने आदेश दिया है, वन विंडो परमिशन है, हर तरीके से आप लोगों को प्रशासन भी मदद करेगा, क्योंकि प्रशासन खुद साथ में खड़ा है हमारे, तो इन्होंने पुलिस प्रशासन की पूरी मदद है, कोई भी दिक्कत कहीं से नहीं रहेगी, और आप लोग आएँ यहाँ शूटिंग करें और यहाँ से सब्सिडी ले जाएं, उत्तर प्रदेश की संस्कृति संस्कार को देश दुनिया को दिखाएं, हमारे यहाँ एक से एक लोकेशंस हैं उसको जन्माएं, और आप लोगों को मैं इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप देखिएगा कि आप डिज्नीलैंड और रामूजी राव स्टूडियो की जैसी बात करते हैं वैसे उत्तर प्रदेश के स्टूडियो की भी आप लोग बातें करें। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।